वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से सभी नदियां उफान पर है। नदियों में उफान के चलते कई हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक खबर हल्द्वानी की गोला नदी से सामने आया है, जहां पानी की तेज बहाव में एक 11 साल का बच्चा बह गया है। बता दें कि 11 वर्षीय अमरजीत नदी के पास खेल रहा था और तभी अचानक वह अनियंत्रित हो गया, जिसके चलते वो नदी के तेज बहाव में बह गया। वहीं से हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बच्चे की खोजबीन में जुट गई और काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव 6 किलोमीटर दूर आंवला चौकी क्षेत्र के से बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार मानसून सीजन में अब तक 3 लोगों की बहने से मौत हो चुकी है। SDM परितोष वर्मा ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वर्षीय एक बच्चा है जो राजपुरा के पास बह गया है और संज्ञान में यह है कि कहीं ठोकर लगने के कारण नदी में गिर गया और उस कारण बह गया। इसके जो शव है वो बरामद कर लिया गया है औला चौकी के पास है और फिलहाल पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। देखिए मुआवजे को लेकर अभी पूछताछ की जा रही है, यदि देवी आपदा में कवर होगा तो निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाएगा।